380 हाजियों का पहला दस्ता आज औरंगाबाद पहुंचा, रिश्तेदारों ने किया पुरतपाक इस्तकबाल। सेहत की देखभाल और फ्रंटलाइन वर्कर्स कोविड की एहतियाती खुराक लें और मुआशरे के सामने एक मिसाल कायम करें, जिला कलेक्टर सुनील चौहान की अपील। और यूनिवर्सिटी के 5 कॉलेजेस में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट तलबा को वाइस चांसलर का दाखला ना देने का हुक्म। अब खबरें तफसील से। आज आज़मीन हज की पहली परवाज मदीना से औरंगाबाद पहुंची। इस परवाज से 380 आज़मीन का पहला दस्ता एयरपोर्ट में दाखिल हुआ। बुध को जैसे ही आज़मीन हज औरंगाबाद शहर पहुंचे, उनके रिश्तेदारों ने उनका पुरजोश इस्तकबाल किया। आज आज़मीन हज की पहली परवाज मदीना मुनव्वरा से औरंगाबाद पहुंची, उससे 380 आज़मीन का पहला दस्ता एयरपोर्ट में दाखिल हुआ। जैसे ही आज़मीन शहर पहुंचे, तो उनके अजीज़ व अकारीब ने उनका इस्तकबाल किया। इस साल हज पर जाने वाले हाजियों ने अपने रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा कि हज कमेटी ने जो मनसूबाबंदी की थी वो ठीक नहीं थी। आज़मीन हज औरंगाबाद हवाई अड्डे पर दोपहर के बाद पहुँचे। हवाई अड्डे पर तैयारी के पहुंचने के बाद जो आज़मीन यहां से हज के लिए गए थे, उन्हें भी इमिग्रेशन की कार्रवाई के बाद ही बाहर जाने में काफ़ी ताखिर हुई। आज़मीन हज से मिलने के लिए उनके लवाकिन सुबह से ही एयरपोर्ट पर जमा थे। आज़मीन के शहर पहुंचने के बाद वो भी अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए बेचैन नज़र आए। रिश्तेदारों ने नम आँखों के साथ हाजियों का इस्तकबाल किया, क्योंकि हज कमेटी की तरफ से और इंडिया को जो अलर्ट किया गया था कोटा, उसमें तादाद कम थी और पूरी दुनिया से भी सिर्फ 10 लाख लोग आए थे, इसलिए कैपेसिटी बहुत अच्छी रही। मक्का में भी, मदीना में भी, मुजदलफा, जमरात और हज के जो अरकान है वो अदा करने में बहुत ज़्यादा सहूलत रही। भीड़ भाड़ वाला मामला नहीं था और वहाँ के जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी बहुत अच्छा मैनेज किया। माशाल्लाह मक्का मुजम्मा में भी जो होटलें थी उसके रूम्स भी बहुत अच्छे कुशादा और पॉश थे। खाने पीने के लिए उन्होंने किचन का अरेंजमेंट किया था, वो भी बहुत अच्छा था। अगर गैस ख़त्म हो जाती तो दूसरी बार वो प्रोवाइड करते थे। और मदीने में तो मेस का भी अरेंजमेंट था होटल में, माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। माशाल्लाह सब बहुत खिदमत करे हमारे, पैसा इंतजाम बहुत इंतजाम रहेगा, बहुत अच्छा इंतजाम। सबके लिए दुआ किया हमने, अल्लाह ताला हर एक को अपने घर की हाजिरी कराए। सबने जाना चाहिए और यंग बच्चों ने या अच्छे यंग एज में जाना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफ़र रहा है। सबसे पहले तो मैं तमाम हज कमेटी औरंगाबाद वालों का शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारा सबसे पहले इन्होंने ताउन किया है और यहां से लेके सऊदी अरब तक के हज मक्के और मदीना तक के इन्होंने हमारा मदद किए और यही वजह से हम बहुत आसानी से हमारे सारे अरकान हुए हैं। और मैं आने वाले हाजी साहिबान को भी यही कहता हूँ कि इंशाल्लाह उनका भी नंबर लगे। हर ख्वाहिश रखने वाले की जल्द से जल्द अल्लाह ताला उनकी जायज़ तमन्नाओं को कबूल करे। ऐसे कदम कदम पर हमारे लिए तैयार रहते हैं, वेट उठाने के लिए, पानी के लिए, फ्रूट फल खाना वगैरह कोई चीज़ का हमको परेशानी वो मामला ही नहीं रहा। अल्हम्दुलिल्लाह बस सहूलत से आसानी के साथ हमारा सफ़र रहा। अल्लाह ताला जिसकी ख्वाहिश है उनको भी ये सफ़र। अल्हम्दुलिल्लाह हज 2022 के औरंगाबाद ज़िले के आज़मीन हज और हुज्जाज बैतुल्लाह इकराम आज वापस औरंगाबाद शहर तशरीफ़ लाए हैं और आम खास मैदान में जामे मस्जिद से करीब उन हुज्जाज किराम का उनके रिश्तेदारों ने तहे दिल से इस्तकबाल किया और आने वाले हुज्जाज किराम से दुआओं की दरख्वास्त की। इन साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, हिंदुस्तान को, हमारे मुल्क को सऊदी अरब ने 80,000 के करीब का कोटा दिया था, 79,000 का, लेकिन
औरंगाबाद ज़िले को 297 हिस्से में आए थे और पूरे महाराष्ट्र को 4000 आज़मीन हज का कोटा मिला था, लेकिन वेटिंग लिस्ट में तकरीबन और 100 हाजियों का इजाफा हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ज़िले से 400 से ज़ायद आज़मीन हज ने बैतुल्लाह के हज की सआदत पाई और वो 20 जून को मुंबई से वहाँ के एयरपोर्ट से रवाना हुए जद्दा, और उन्होंने वहाँ पहले मक्का मुकर्रमा में क़ियाम किया और 8-9-10 तारीख को वहाँ पर हज मुकम्मल किया और 18 जुलाई को वो लोग मदीने मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए और मस्जिद नबवी में 8 दिन 40 नमाजें एहतमाम से अदा की, पूरे मुल्क और देश के अमन व अमान के लिए मक्का मुकर्रमा में भी और मदीने पाक में दुआएं की गई कि अल्लाह ताला हमारे देश में अमन व अमान और शांति अता करे और तरक्की अता फरमाए, यहाँ की बेरोज़गारी को दूर करे और नौजवानों को मुल्क व मिल्लत की खिदमत के लिए कबूल करे। वज़ीरे आला एकनाथ शिंदे इतवार को सिल्लोर पहुँचेंगे जहाँ उनका अवामी इस्तकबाल किया जाएगा। उसके बाद वज़ीरे आला हाजरीन से खिताब करेंगे। आज MLA अब्दुल सत्तार और पुलिस सुपरिटेंडेंट मनीष करवानिया ने जलसेगाह का मायना किया, साथ ही काम का जायजा लिया। आज MLA अब्दुल सत्तार और पुलिस सुपरिटेंडेंट मनीष करवानिया ने जलसेगाह का मायना किया और काम का जायजा लिया। बारिश के दिन होने की वजह से इवेंट का पूरा मकाम वाटरप्रूफ होगा। मर्दों और ख़वातीन के लिए अलग अलग बैठने का इंतज़ाम किया जाएगा। इस मौके पर MLA अब्दुल सत्तार मित्र मंडल के जानिब से किए गए इकदाम का जायज़ा लिया गया। सब डिविज़नल पुलिस ऑफिसर विजय मराठे, सिल्लोर सिटी पुलिस इंस्पेक्टर अशोक मुदिराज, सिल्लोर रूरल थाने API सीताराम मैत्रे के साथ नेशनल यार्न मिल्क के डायरेक्टर अब्दुल अमीर अब्दुल सत्तार, शिवसेना के प्रमुख किशोर अग्रवाल, कारपोरेटर सुधाकर पाटिल, विठल सपकाल, शांत किशोर सागर, शेख सलीम हुसैन, राजू गौर, मनोज झानोर, राजेंद्र थुमरे, विशाल जादव, शेख सलीम, सचिन पखेरे और दिगर ओहदेदारान कसीर तादाद में मौजूद थे। यूनिवर्सिटी के नाम बदलने की करारदाद के दिन के मौके पर पैंथर्स रिपब्लिकन पार्टी की जानिब से MLA मिटकरी की मौजूदगी में एक अहम इजलास इनाकात किया गया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम बदलने की लड़ाई समाजी तंजीम का म्यार बन गई है। यूनिवर्सिटी के नाम बदलने के मौके पर बुध की सेपहर तापाड़िया नाट्य मंदिर में पैंथर्स रिपब्लिकन पार्टी के जानिब से एक अहम मीटिंग का अहतमाम किया गया। इस मौके पर MLA अमोल मिटकरी और दिगर मौजूदीन ने रहनुमाई की, जबकि सूर्यकांता गारे वर्किंग सदर के तौर पर मौजूद थे। MLA नीलेश लंका ने मेहमान खसूसी की हैसियत से इफ्तिताह किया और डायरेक्टर ब्रॉडकास्टिंग UG जालके डॉक्टर प्रतिभा आहिरे खसूसी तौर पर मौजूद थे। इस प्रोग्राम में मराठवाड़ा भर से 1000 से ज़्यादा ओहदेदारान और कारकनान मौजूद रहे। इस मौके पर ज़िला सदर संजय सातपुते, सरजेराव मनोहर, अनिल मगरे, रंजना सालवे, बाबू राव नरवादे, लताबाई थोरात वगैरह मौजूद थे। पता तो मुझे, लेकिन मैं जुल्म पर खामोश कभी रह नहीं सकता। आमच्या देशाचं सर्वोच्च पद हे देशाचं राष्ट्रपती पद आहे। घटनेने अधिकार दिलाय माझ्या आई बहिणींना इथे नगरसेवकापासून राष्ट्रपती पदावर जाण्यापर्यंतचा। परंतु ज्यावेळी 15 राष्ट्रपती म्हणून सरन्यायाधीशांकडून त्यांना शपथ मिळते, त्यापूर्वी मंत्रोच्चार होतात आणि देशाच्या सर्वोच्च पदावर असणाऱ्या राष्ट्रपतींच्या नावापुढे जात चिटकवल्या जाते। हा अनुभव यांनाच आहे असं नवीन नाही। मागच्या राष्ट्रपतींना सुद्धा एका मंदिरामध्ये हा अनुभव आलेला होता। मंदिर प्रवेश नाकारला तर आजही जिवंत आहे ही व्यवस्था। आपल्या शहरामध्ये काही दिवसांपूर्वी नथुराम गोडसे बोलतोय नावाच्या नाटकाचे प्रयोग झाले, ज्यांनी त्याची निर्मिती केली त्यांचं पर्वाचं स्टेटमेंट आहे
सावरकरांचा राग असला पाहिजे। इतिहासाची सहा सोनेरी पानं ज्यांना मान्य असतील जे सावरकरांनी लिहिलेली आहे त्यांना धाक असावा, आम्हाला धाक असण्याचं काय कारण आहे? जर इतिहासाच्या सहा सुवर्ण पानांमध्ये काकतालिके न्यायाने शिवाजी छत्रपती झाला, काकतालिके न्याय म्हणजे कावडा बसणे आणि डांग मोडणे असा योगा योगानी शिवाजी महाराजांबद्दल असे उद्गार असते। लंकेसाहेब हे फार जीवाची जोखीम घेऊन घेऊन बोलणारा माणूस आहे, मी उगाच नाही जे काय तुम्हाला वाटत सोपं वाटतं काय। आमचे फोन, आमचे मेसेजेस, आमच्या घरावरील हल्ले हे सगळं भोगलेला मी माणूस आहे। गंगाधरराव गाडे साहेबांसमोर आपल्यासारखे दोन ऑप्शन होते, जन्माला आल्यानंतर वय वाढत वाढत जाऊन मुलाबाळांसाठी प्रॉपर्टी गोळा करून मुलाबाळ नोकरीवर लावून आहे तसंच मरायचं। नामांतर संघर्ष डे के मौके पर बुध को सिडको इहाते में भारतीय दलित बैंकर संघर्ष डे वर्कर मीटिंग का एहतमाम किया गया। एडवोकेट रमेश भाई खंडागले ने एडीएन से बात करते हुए मजीद मालूमात फराहम की। आज 27 जुलाई आहे, हा दिवस दलित चळवळीमध्ये विशेषतः आंबेडकरी चळवळीमध्ये फार महत्त्वाचा आहे, कारण ह्या दिवशी 1978 साली महाराष्ट्राच्या दोन्ही सभागृहांनी निर्णय घेतला होता नामांतराच्या ठरावाचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर नाम द्यावं मराठवाडा विद्यापीठाला, हा ठराव दोन्ही सभागृहांनी एकमताने घेतला होता। परंतु इथले जातीयवादी नंतर खवळले आणि त्यांनी हैदोस घातलं संपूर्ण मराठवाड्यामध्ये, त्यांनी मराठवाड्यामध्ये गोरगरिबांची घरं जाळली, आया बहिणीवर बलात्कार केला, तरुणांचे बळी घेतले, जनार्दन मवाडे, पोचीराम कांबळे, चंदन कांबळे असे अनेक जे कार्यकर्ते आहेत त्यांचा बळी गेला आणि मग तिथून नामांतराच्या संघर्षाला खऱ्या अर्थानं सुरुवात झाली। कारण ह्या सगळ्या उठावामुळे, ह्या सगळ्या आयदोसामुळे सरकारनं हा ठराव स्थगित केला होता, मग या ठरावाची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्र पेटून उठला आणि म्हणून आम्ही याला संघर्ष दिवस म्हणतो। हा संघर्ष दिवस दरवर्षी आम्ही या ठिकाणी साजरा करत असतो भारतीय दलित पॅंथरच्या वतीनं, कारण भारतीय दलित पॅंथर नामांतर चळवळीमधली अग्रणी संस्था आहे, पहिल्या नंबरची संस्था आहे। या संघटनेनंच नामांतराचा लढा उभा केला आणि त्या संघटनेनंच नामांतराच्या लढाईची शेवट केला आणि म्हणून ह्या लढाईमध्ये आपण यशस्वी होऊ शकतो, आपण जिंकू शकतो, लढलं पाहिजे, यश मिळतं आहे हा एक संदेश देण्यासाठी आम्ही सातत्यानं हा संघर्ष दिवस साजरा करतो दरवर्षी। हरकोमे सतपति मंगल कार्यालय में आज एक जॉब फेयर का इनेकाद किया गया, जिसमें कंपनी के जरिए सैकड़ों पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों को इंटरव्यू के जरिए बराह रास्त नौकरियां दी गई। रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील की दुआ फाउंडेशन और कुछ समाजी तंजीमों ने बुध की सुबह से हड़कों में सप्तपदी मंगल कार्यालय के इश्तराक से जॉब फेयर का इनेकाद किया। शहर के पढ़े लिखे नौजवानों से दरख्वास्त की गई कि वो इस जॉब फेयर में शिरकत करें और अपने अहलियत साबित करें और मुख्तलिफ कंपनियों के लिए इंटरव्यू दें। इसी मुनासिबत से बहुत से नौजवानों ने उस पर रद्द अमल जाहिर किया। इस मौके पर 16 मुख्तलिफ कंपनियों के नुमाइंदे भी मौजूद रहे। वाज़े हो इस तरह के जॉब फेयर में मुलाजमतें कंपनी के जरिए इंटरव्यू के बाद बराह रास्त दी जाती है। नाज़रीन अब वक्त हो चला एक मुख्तसर वक्त का, खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़। सुवर्ण संधि 10वीं 12वीं आणि ग्रेजुएट पास विद्यार्थ्यांसाठी सुवर्ण संधि बेरोजगारीच्या काळात 100% जॉब गॅरंटी देणारे कोर्सेस करा। केंद्रीय शिक्षण मंडळ, भारत सरकार मान्यताप्राप्त डीएमएलटी, पीजीडीएमएलटी, ओटी टेक्निशियन, डिप्लोमा फिजिओथेरपी, ईसीजी, एक्सरे रेडिओलॉजी, सीटी स्कॅन, फार्मसी इन आयुर्वेदा अँड युनानी, डिप्लोमा ऑप्टोमेट्री, आयटीआय, इलेक्ट्रिशियन कोर्स, तसंच महाराष्ट्र शासनाच्या यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे बीए मराठी आणि उर्दू माध्यम, एमए मराठी, हिंदी, इंग्रजी आणि उर्दू, तसंच मानवी हक्क, गांधी विचार दर्शन, समंत्र प्रमाणपत्र, बालसंगोपन कोर्स, नोकरी व्यवसाय सांभाळून हे कोर्सेस करता येतात। प्राचार्य डॉक्टर हसन इनामदार, डॉक्टर दत्ताभाऊ पाथरीकर शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित
मातोश्री डॉक्टर कंचन शांतीलालजी देसरडा महाविद्यालय औरंगाबाद, मोबाईल क्रमांक 94-05-10-91-03-88-30-83-89-03. नाज़रीन, हफ्ते के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। कोविड वैक्सीनेशन का अमृत फेस्टिवल मनाया जा रहा है। दरियासना एहतियाती खुराक के साथ कलेक्टर ने सरकारी मुलाजमीन और शहरियों से अपील की कि जिनकी कोविड 19 वैक्सीनेशन की दूसरी खुराक बाकी है वो फौरन उसे ले लें। जिले में हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को चाहिए कि वो पहली खुराक के बाद एहतियाती खुराक भी लें और पूरे माशरे के सामने वैक्सीनेशन के बारे में एक मिसाल कायम करें। इसलिए जल्द ही कोविड मुक्ति की तरफ तहरीक शुरू हो जाएगी। 30 सितंबर 2022 तक कोविड वैक्सीनेशन का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। दरियासना कलेक्टर ने सेहत की देखभाल करने वाले कारकुनों और फ्रंट लाइन कारकुनों से अपील की कि वो उन शहरियों की हौसला अफजाई करें जिन्होंने कोविड 19 वैक्सीनेशन की दोनों डोज ली हैं और जिन्होंने 75 दिनों के अंदर एहतियाती खुराक भी ले ली है। डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की एक मीटिंग हाल ही में कलेक्टर के दफ्तर में मुनक्कद हुई। इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर और ज़िला परिषद चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नीलेश डटाने, डॉक्टर पारस मंगलेजा, डॉक्टर दयानंद मोदी पावले और मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान मौजूद थे। मीटिंग के आगाज़ में कलेक्टर ने औरंगाबाद ज़िले में कोविड वैक्सीनेशन के काम की मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लिया। हुकूमत हिंद और हुकूमत महाराष्ट्र के रहनुमाई खतूत के मुताबिक 18 जुलाई 2022 को होने वाली ज़िलाई टास्क फोर्स की मीटिंग के फैसले के मुताबिक एहतियाती तदाबीर की खुराक 6 माह के बाद या दूसरी खुराक के 26 हफ्ते बाद देने के लिए मुहतात मनसूबा बंदी की जानी चाहिए। इस वक्त कलेक्टर ने मुतालिका अहदेदारों को हिदायत दी कि वो अपनी सतह पर तमाम निज़ामों के ज़रिए मुकर्रर मुद्दत के अंदर वैक्सीनेशन को मुकम्मल करने के लिए ज़रूरी कार्रवाई करें। केले के खेत में गांजे की काश्त करने वाले किसान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और फरदापुर पुलिस ने उसके कब्जे से 1.5 लाख मालियत का गांजा भी जब्त किया है। किसान रामचंद्र दादा शिंदे सोएगांव इलाके के फरदापुर में रहता है। जब पुलिस ने उसके खेत का मुआयना किया तो किसान रामचंद्र दादा शिंदे के खेत में केले की फसल के बीज में गांजे के 2 पौधे पाए गए। किसान रामचंद्र दादा शिंदे के खेत से गांजा नामी नशावर चीज़, जिसके सब्ज पत्तों के साथ 24 किलो 250 ग्राम वजनी 1,21,050 रुपये की कुल मालियत बरामद हुई है। मुलजिम के खिलाफ फरदापुर थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर डीबी वाघमोड़े, नीलेश लोखंडे, योगेश कोहली, प्रकाश कोहली, सतीश हिवाले, पंकज विवावे ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। मजीद तफ्तीश सब इंस्पेक्टर आरजी कसले, पुलिस सब इंस्पेक्टर फरदापुर पुलिस स्टेशन के तहत कर रहे हैं। खुलदाबाद तालुके के कसाब खेड़ा गांव और आसपास के इलाकों को बारिश के सबब काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कल बारिश की वजह से गांव के करीब बना पुल बह गया, जिससे गांव वालों का रास्ता टूट गया है। खुलदाबाद तालुके के कसाब खेड़ा गांव और आसपास के इलाकों में कल भारी बारिश के सबब गांव के करीब बना पुल बह गया, जिससे कसाब खेड़ा गांव, माटे गांव, चंबारवाड़ी, देवलाना, पिंपल गांव के लोगों का रास्ता टूट गया है। देवलाना पिंपल गांव के लोगों की आमद रफ्त गांव के मरकजी दरवाजे के पास पुल से होती है।
कल की मूसलाधार बारिश की वजह से लोगों की आमद व रफ्त मुतासिर हुई है और यहाँ बना पुल भी बह गया है, जिसकी वजह से इस गांव के शहरियों का फसाद खेड़ा गांव से रबता मनफता हो गया, जिससे स्कूली तलबा, किसानों, बीमारों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। फसाद खेड़ा गांव के माटे गांव और आसपास के गांव से तालीम के लिए आने वाले स्कूली तलबा के लिए यही करीबी सड़क थी, इसलिए वो वक्त पर स्कूल पहुँच सकते हैं। पुल टूटने से गाड़ियों की सहूलत के बावजूद तलबा को 7 किलोमीटर का चक्कर लगाकर एलोरा मार्ग तक जाना पड़ता है। पुल टूटने की वजह से तलबा का स्कूल आना अब मुश्किल हो गया है और तलबा पर तालीम से महरूम रहने का वक्त भी करीब नज़र आ रहा है। अगर इस जगह पर मुस्तकिल सीमेंट का पुल बनाया जाता है तो मानसून के दौरान फसाद खेड़ा गाँव के साथ रबते का मसला दूर हो जाएगा, इसलिए हमारे अमावी नुमाइंदों के लिए ज़रूरी है कि वो जंगल, पहाड़ और होटलों से निकलकर मौसम बरसात में देही इलाकों की सड़कों की खस्ता हाली पर तवज्जह दें। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद योले ने तालीमी साल 2022-23 से 5 कॉलेजों में डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में तलबा को दाखिला न देने के अहकाम जारी किए हैं। महाराष्ट्र पब्लिक यूनिवर्सिटी एक्ट 2016 के सेक्शन 12 और 14 सी के तहत इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट मौसूल होने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर की अदम सहूलियात और मायने के जेर निगरानी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद योले ने दर्ज झेल कॉलेजेस में तालीमी साल 2022-23 के लिए तलबा को डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिला ना देने के अहकाम जारी किए हैं। यह हुक्म यूनिवर्सिटी के जानिब से जारी किया गया है। इन कॉलेजेस में निर्मल क्रीड़ा समाज प्रबोधन ट्रस्ट का आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज बदनापुर, श्री रोका हनुमान इंस्टीट्यूशन और मल्टीपर्पज़ इंस्टीट्यूशन रन एडवाइज़र डिस्ट्रिक्ट जालना, उर्दू एजुकेशन सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम जारी चिश्तिया आर्ट्स कॉलेज कुल्लाबाद और दिगर कॉलेजेस शामिल हैं। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के जानिब से इन कॉलेजों पर जुर्माना भी आयद किया गया है और यूनिवर्सिटी के अकाउंट्स डिपार्टमेंट को मुकर्रा फॉर्मेट में अदायगी करने की हिदायत की गई है। इसके अलावा प्रिंसिपल कोहिनूर कॉलेज कुल्लाबाद को महकमे तालीम के डिप्टी डायरेक्टर की तरफ से भी जो हुक्म दिया गया है उसमें कहा गया है कि तलबा को गैर इमदादी यूनिटों में दाखिला ना दिया जाए। खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नजर दिन भर की अहम खबरों पर। 380 हाजियों का पहला दस्ता आज औरंगाबाद पहुंचा, रिश्तेदारों ने किया पुरतपाक इस्तकबाल। सेहत की देखभाल और फ्रंटलाइन वर्कर्स कोविड की एहतियाती खुराक लें और मुआशरे के सामने एक मिसाल कायम करें, जिला कलेक्टर सुनील चौहान की अपील। और यूनिवर्सिटी के 5 कॉलेजेस में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट तलबा को वाइस चांसलर का दाखिला न देने का हुक्म। नाज़रीन ये थी आज की खबरें, कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज, आवाज हर दिल की।